नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव पटना से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है ललन सिंह के इस्तीफे की खबर के बीच ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जेडीयू के कई नेताओं ने मुलाकात की है और ये मुलाकात तब की जा रही है जब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनतीस दिसंबर को जे की जो राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह पर कोई और जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को खुद अपने जिम्मे ले सकते हैं नीतीश कुमार के साथ जेडीयू नेताओं की जो यह मुलाकात हुई है करीब एक घंटे तक यह मुलाकात चली है और तमाम पहलुओं पर इसमें बातचीत की गई है अब देखना यह होगा कि 29 तारीख को जो फैसला निकल करके सामने आएगा क्या बैठक में ललन सिंह को सच में इस्तीफा देना पड़ सकता है क्या ललन सिंह का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से पत्ता कट सकता है इसके पीछे की तमाम भी हैं लगातार इस पर पर बिहार तक पर आप बीच खबर यह है कि ललन सिंह चूंकि दिल्ली में हैं, तो दोनों ही बैठकों में ललन सिंह भी शामिल रहेंगे बैठक के बाद ललन सिंह वापस पटना आएंगे तो लगातार ललन सिंह को लेकर जो कयासबाजियां हैं वो लगातार चल रही हैं क्या जेडीयू में सच में कोई उथल पुथल होने वाला है इस पर लगातार हमारा कवरेज जारी रहेगा पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक नमस्कार